राम राम किसान साथियों, स्वागत आप सभी का वीडियो में। तो किसान साथियों, ये देखो अपनी पनीरी। मैंने कल शाम को भाई इसकी बोरियां हटा दी थी। जर्मिनेशन भी आपको दिखाऊंगा कितना बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है। तो किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान साथी भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, और वीडियो एंड तक देखना। किसान साथियों, मैं वीडियो नहीं डाल पाया कल, इसलिए आज वीडियो डाल रहा हूँ। और कल मुझे काम हो गया था। आप इसका जर्मिनेशन देखो। आप, मैंने बोरिया हटा दी थी कल शाम को, बोरिया हटाई थी। आप जर्मिनेशन देखो कितना बढ़िया जर्मिनेशन हुआ, बहुत बढ़िया जर्मिनेशन हुआ किसान साथियों। एक को एक बीज 100% बीज हो गया है। 100% बीज निकाला निकाला है भाई, एक बीज भी नहीं रहा है। और ये देखो, ये मैंने परसों डाल दी थी भाई ये पनीरी। और इसका ही मैं आपको जर्मिनेशन दिखाऊंगा कितना बढ़िया हुआ है। और बीज की बात करूँ तो किसान साथियों, मैंने दो बीज डाले थे इसके अंदर, एक तो विष्णु और एक नोबल का अनीता। विष्णु जो है शायद वचन का है, वचन का विष्णु, और नोबल की अनीता, दोनों ही टॉप की वराइटियां है, हाइब्रिड वराइटियां है। अनीता जो वराइटी है भाई, पहले वीडियो नहीं बताई, लेकिन अनीता भी वरायटी भाई एक नंबर टॉप की वरायटी है भाई। दोनों वरायटियाँ गजब की वरायटियाँ है। पहले मेरी लगाई हुई है, पिछले साल मेरी देखी बढ़ती हुई वरायटी है भाई, बहुत बढ़िया वरायटियाँ है। बहुत बिल्कुल सफ़ेद फूल आता है भाई, अंडे जैसा फूल आता है, बढ़िया वरायटियाँ है। दोनों ही 35,000 प्लस की, 35,000 के आसपास की वरायटी है भाई। और अनीता का जो टाइम है ना भाई, वो 1 अगस्त से लेके और 15 अक्टूबर तक रहता है भाई। 15 अक्टूबर तक आप अनीता वैरायटी डाल सकते हो, ये नोबल की अनीता बहुत बढ़िया वैरायटी है भाई। और किसान साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा भाई किस प्रकार से ये मैंने डाली थी, और सारी डिटेल में बताऊंगा भाई। मैंने जब ये डाली थी उस टाइम की, मैंने है ना वीडियो बना के आपको वीडियो ही दिखाऊंगा भाई किस प्रकार से डाली थी। और पहले आ जाओ आप आगे आगे, वो जर्मिनेशन देखो भाई पनीरी का। ये देखो भाई, लाइन में, पूरी लाइन में बीज निकला हुआ है भाई, एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसमें बीज नहीं निकला हुआ। और किसान साथियों, ये देखो आगे भी भाई मैं क्या जी बनाने लग गया हूँ, आज भी पनीर डालूंगा। बहुत से किसान साथी कमेंट पूछ रहे थे कि भाई सेल के लिए भी डालते हो क्या पनीरी। हाँ भाई, सेल के लिए भी डालते हैं और खुद के लिए भी डालते हैं भाई, सेल के लिए भी पनीरी डालते हैं। तो किसान साथियों, चलिए आप आगे देखिए, देखो वीडियो मैंने किस प्रकार से डाल दिया था। ये देखिए किसान साथियों, ये जो पहला बीज है ये है भाई नोबल का अनीता। नोबल का अनीता हाइब्रिड बीज है भाई, टॉप की वैरायटी है। पहले डालेंगे ये भाई, दूसरा बीज भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये डालेंगे। हाइब्रिड बीज है, टॉप की वैरायटी है भाई, देखी पलखी हुई वैरायटी है। तो ये देखो भैया, अब ये बीज डालने लग रहे हैं भाई। अब बीज देखो किस प्रकार से डाल रखे हैं, देखो गुच्छे नहीं करने, ना ही तो ज़्यादा सियांगने सियांगना करना भाई बीज, ना ही तो ज़्यादा मात्रा में डालना, ना ही कम। ज़्यादा डाल दोगे तो भाई वो फिर ज़्यादा गहरी हो जाएगी पनीरी, और पतली पतली रह जाएगी, और फिर उसके अंदर भाई गड़न आ जाएगी, फंगस आ जाएगी, बढ़िया पनीर तैयार नहीं होगी। इसलिए थोड़ा बीज तो को थोड़ा छिड़का ही, यानी सीधा ही रखना भाई, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना भाई। ये देखो किस प्रकार से डालने लगे, स्पीड देखो आप, देखो भैया बीज किस प्रकार से डाल रखे है। इस प्रकार से डालते भाई, चैरियों में डालने का फायदा ही होता है कि भाई 90% से ऊपर 95% बीज का जमाव होता है भाई। जमाव आपने पहले देख लिया होगा भाई, कितना बढ़िया जो जर्मिनेशन हुआ भाई अपने बीज का, बहुत बढ़िया जर्मिनेशन हुआ भाई। और ये देखो भैया, अब ये है दूसरा बीज भाई, ये है वचन का विष्णु, वचन कंपनी का विष्णु है भाई, ये विष्णु नाम से बीज आता है। ये देखो आप, ये देखो भाई, वो थोड़ा सा भाई जैसे गुलाबी से कलर का था भाई, मैरूम से। और ये देखो इसमें ये दिख रहा है भाई, थोड़े गोल्डन कलर का, पीले से रंग का बीज है भाई इसमें। 1 किलो की पैकिंग ले रखी है भाई मैंने।
और ये देखो इस बीज डालने बाद डालनी है भाई अपने को गोबर की खाद जो होती है अच्छी गड़ी हुई पची हुई खाद, कच्ची खाद नहीं लेनी है भाई आपको, ताजा खाद नहीं लेनी है वरना नुकसान हो जाए भाई। कम से कम 6 महीने पुरानी खाद होनी चाहिए भाई, अच्छी प्रकार से गड़ी हुई और पची हुई, और मैंने हाथों की सहायता से आपने देखा होगा बिल्कुल बारीक कर रखी है भाई खाद, अगर डगड़िया होगी तो बीज को दबा लेंगी भाई, ऊपर नहीं निकलने देगी, जमिनेशन बढ़िया नहीं होगा। और मैंने ये देखो भाई अब ये खाद डालना शुरू कर दिया है, देखो भाई अड़का अड़का खाद डालना भाई, ज्यादा मात्रा में नहीं डालना और ना ही कम डालना, बस बीज ढका जाए भाई, बीज दब जाए नीचे, बीज ऊपर ना आए, इतना ही डालना। आप देखो भाई किस प्रकार से डालने लग रहे हूँ मैं, ज्यादा मात्रा में भी नहीं डालना भाई खाद, और इतना कम भी नहीं डालना कि भाई बीज ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाएगा तो उसके अंदर हवा लगेगी भाई। और कई बंदे क्या करते हैं भाई और कुछ जैसे मिट्टी वगैरह से ही, मिट्टी वगैरह ही छिड़क देते हैं या फिर राख वगैरह होती है वो छिड़क देते हैं, वो गलत तरीका भाई, इसी कारण उनका जर्मिनेशन बहुत कम होता है भाई। मैं हमेशा से गोबर वाली खाद, हमारे यहाँ पे भाई सभी गोबर वाली खाद यूज करते हैं, बहुत बढ़िया जर्मिनेशन होता है भाई, गोबर की जो खाद होती है अच्छी गली हुई पची हुई खाद भाई, डीकम्पोस्ट हुई बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बारीक खाद, बहुत बढ़िया जर्मिनेशन होता है। और ये देखो भाई अब विष्णु वाला जो बीज है वो डालना शुरू कर दिया है आगे, देखो ये भी हाइब्रिड बीज है भाई, टॉप की वैरायटी है, एक नंबर की वैरायटी है भाई, ये कोई देसी बीज नहीं डालते भाई, आपकी आंखों के आगे डालने लग रहे हैं भाई, कोई धोखाधड़ी नहीं है। ये देखो भाई किस प्रकार से डालने लग रहे हैं बिल्कुल चैरियों के अंदर, आपको पूरी जानकारी देंगे भाई, बोरिया भी रखेंगे इसके ऊपर जर्मिनेशन के लिए, आगे क्या करने लगे बोरिया ढके, पानी किस प्रकार से देना भाई, पूरी जानकारी देंगे आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को शेयर करना भाई, और वीडियो में अंत तक बने रहना भाई। ये देखो अपने बेड जो आपने बढ़िया तरीके से बना रखे है भाई, वो पूरी मेहनत कर रखी है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही लिख के मारी और डाल दिया भाई, छिड़क दिया और कर दिया, ऐसे बढ़िया पनीर तैयार नहीं होती भाई, इस प्रकार से पनीर तैयार करोगे तो बढ़िया पनीर तैयार होगी बिना किसी नुकसान के। ये देखो खाद कितनी बिल्कुल बारीकी से, सारा काम भाई बिल्कुल बारीकी से होने लग गया भाई, बिल्कुल बारीकी से, और अब बोरिया ढकी जा रही है भाई। अब इसके बोरी के साथ भाई बहुत बढ़िया जर्मिनेशन होता है, कई किसान साथी ऐसे नेट वगैरह जाली वगैरह ये ढक देते हैं, उनसे बढ़िया जर्मिनेशन नहीं होता भाई। आप बोरिया रखे ना, बोरिया ढके जो अपनी टाट जो बोरी होती है जो खड़े बिनोड़े वाली, वो बोरिया भाई काट के उसको चौड़ा कर रखा है और वो ढकी जाए, इससे जर्मिनेशन एक नंबर का होता है भाई, फर्स्ट क्लास जर्मिनेशन होता है, बहुत बढ़िया जर्मिनेशन होता है। और ये बोरिया है ना भाई ऐसा नहीं है कि एक ही बार यूज होती है, ये अब मुझे शायद 30 साल है भाई, 30 साल में इनको यूज करने लग गया हूँ, इससे पहले 2 साल पहले मैं यूज कर चुका हूँ भाई, अब 30 साल और ऐसे ही भाई आगे 1 या 2 साल और चलेंगे भाई ये बोरिया, बस बात है भाई संभाल के रखने की, मैं इनको संभाल के रखता हूँ भाई, काम होते ही ऐसा नहीं कि यहीं पे फेंक दी, संभाल के रखते हैं भाई इस चीज़ों को, इसीलिए वो लंबे टाइम तक चलती रहती है भाई। और अब इनके अंदर पानी देने लग रहे हैं भाई, मीठा पानी देने लग रहे हैं, देखो भाई टैंक के अंदर मैं पानी लेके आया हूँ, मीठा पानी अब नहर नहर चलने लग रही थी, नहर से लेके आया हूँ, वरना किसी ट्यूबवेल का मीठा पानी नहर नहीं होती, तो एक ट्यूबवेल है भाई उसका मीठा पानी लेके आता हूँ मैं, क्योंकि खारे पानी पनीर नहीं होती भाई, नुकसान हो जाता है, पीड़ी हो जाती है, जर्मिनेशन बहुत कम होता है। और पानी किसान साथियों ये देखो आप बैठ के जब ऊपर तक पानी हो जाए पूरा, जैसे सभी बोरियां भीग जाए अच्छी प्रकार से, तब पानी बंद करते हैं भाई, तब पानी बंद करके आगे खोल देते हैं। कई किसान साथी भाई वो फुहारे वगैरह से पानी देते हैं भाई, उनके साथ पूरी नमी नहीं हो पाती भाई, अगर पूरी नमी नहीं मिलेगी तो बीज फूलेगा नहीं भाई, और बीज फूलेगा नहीं तो जर्मिनेशन कम होगा भी, बीज आल सूख हो जाएगी भाई, जैसे एक बार गिल्ला होकर फिर से सूख जाएगा भाई बीज, तो इसलिए कम से कम भी 5-6 दिन तक नमी रहनी चाहिए भाई मिट्टी के अंदर, तभी बढ़िया जर्मिनेशन होगा, तभी बीज फूलेगा।
वो तो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे भाई, मैं दवाई साथ में पानी के साथ में भाई दवाई भी डालने लगा, पानी के अंदर टपका टपका दवाई का डालने लग रहा हूँ। ये दवाई है भाई गोल्ड 505, 505 सभी किसान साथी जानते हैं भाई गोल्ड 505 दवाई को। ये भाई 505 दवाई है, रिफ 505 के भी नाम से आती है, गोल्ड 505 के भी नाम से आती है। ये डालता हूँ भाई नीचे जिससे कि केचुए वगैरह कीड़ी दिमक वगैरह ना निकले, वरना ये बहुत निकलते हैं भाई और ये मिट्टी को उखाड़ देते हैं और पौधे ख़त्म हो जाते हैं भाई बीज, इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी है भाई। दिमक वगैरह केचुए वगैरह कीड़े वगैरह नहीं निकलेंगे भाई। और जब अब देखो भाई बोरी के ऊपर से पानी हो गया है, तो अब हमने पानी बदल देना भाई, पानी देखो बदल दिया है, अगले क्यारी जो उसके अंदर पानी शुरू कर दिया है। इसमें भी भाई ऐसे ही करना है, पूरा ऊपर तक भर जाए तो बंद, फिर बंद करना है भाई। तकरीबन ये लगा लो एक एक टपका डालते रहो भाई दवाई का, तकरीबन शायद 30 से 35 ग्राम अंदाजे से भाई दवाई डल जाती है भाई, 30 से 35 ml दवाई जो है वो एक कैदी के अंदर डल जाती है भाई। और कई किसान जाते हैं भाई क्लोरो दवाई जो आती है कीड़े के लिए वो डालते हैं भाई, वो मैं मुझे भाई 505 का बढ़िया रिजल्ट लगा भाई उससे। और 505 ये है कि भाई ये बच जाए ना तो अब हम अपनी फसल में वैसे गोभी में बाद में भी यूज कर सकते हैं भाई, बाद में भी इसको फल छिड़काव भी कर छिड़काव के लिए भी यूज करते हैं। सभी किसान साथी जानते हो कि भाई इस दवाई को और कलोरो जो है उसका कुछ नहीं कर सकते भाई, वो बस नीचे डालने की होती है भाई। मतलब ये भी फूल बढ़ जाएंगे ना जब बोरियों के ऊपर से पानी हो जाएगा तब बंद कर देंगे भाई पानी को। एक एक टपका दवाई का डालते रहो और ये देखो ये पूरे भर चुके हैं, ऊपर तक पानी हो चुका है भाई सभी पौधियों के। तो अब इसको थोड़ा सा और चला के एक आधी जगह जो रह गई है वहीं से भरते ही पानी बंद कर देंगे। किसान साथियों मेरे तरीके से अगर पनीर तैयार करोगे तो बहुत बढ़िया पनीर तैयार होगी भाई, बहुत बढ़िया। आपने पहले ही वीडियो में देखा होगा बहुत बढ़िया पनीर तैयार होती है भाई। अब पानी बंद कर देंगे। तो किसान साथियों आपने वीडियो देख लिया कि मैंने किस प्रकार से डाला है और आप जर्मिनेशन देख लिया होगा आपने, एक नंबर जर्मिनेशन हुआ है। अगर किसान साथियों आप मेरे तरीके से पनीर तैयार करोगे तो एक नंबर की पनीर तैयार होगी। मैं आपको इसकी डिटेल हर एक जानकारी दूंगा, कौन से स्प्रे करनी है और कौन सी जैसे खाद देनी है, आपको हर चीज़ बताऊंगा भाई डिटेल में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर स्प्रे कौन सा करना भाई। बहुत से किसान साथी पूछते हैं भाई स्प्रे क्या करना, बोरी हटाने बाद स्प्रे कौन सा करना होता है। और किसान साथियों मैं आपको एक बात और बताता हूँ, देखो कल शाम को मैंने बोरी हटाई थी इसकी, उस टाइम पे यानी 60 से 70% ही बीज निकला हुआ था, ये लगा 75% बीज ही निकला हुआ था, बाकी का बीज रह गया था। तो उस टाइम पे जब 50-60% बीज निकल आता है ना तो उस टाइम पे बोरी हटा देनी चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई 100% बीज सारा बीज निकलेगा तब बोरी हटाएंगे, इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि ना जो बीज निकल गया नहीं उसकी जो ये जो डंडी होती है, ये जो ये देखो ये जो नीचे जो ये डंडी होती है सफेद सफेद, ये ग्रोथ खींच जाती है भाई, ये बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है और ये इतनी नाजुक और कच्ची होती है कि अगले दिन अगर धूप पड़ेगी ना डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो ये खत्म हो जाएगी। तो इसलिए तभी बोरी हटा देनी चाहिए, जो बचा हुआ बीज है वो नीचे जड़ निकल आई है उनकी, वो ग्रोथ कर चुके हैं नीचे और अगले दिन वो पूरा निकल आएगा। ये देखो आज मेरा बीज पूरा निकल आया है, एक बीज भी नहीं रहा भाई, सारा बीज निकल आया है। इसलिए 60% बीज निकले, बीच में बोरी तीसरे दिन बोरी हटा के देख लेनी चाहिए भाई कि बीज निकला है या नहीं है, अगर कमी है तो रुक जाओ। और अगर 60% बीज निकलते ही निकलने बाद 60 से 70% निकल जाए तो आप हटा दो भाई बोरियों को, तो फिर बीज अपने आप निकल आएगा भाई अगले दिन, एक बार नीचे चढ़ने के बाद बीज निकल आएगा। तो किसान साथियों अगली वीडियो बताऊंगा कि भाई अब इसके अंदर स्प्रे कौन सा करना है आपको। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, आज के लिए जय जवान जय किसान।